चिमूर तहसील में रविवार शाम को हुई तेज मूसलाधार बरसात के कारण एक ट्रक रास्ते में फंस गया, जिसके कारण घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ। किस परिसर में यह ट्रक फंसा, देखते इस खबर में। रविवार शाम को तेज हवा के साथ तथा बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। वहीं चिमूर से वर्रा की ओर एक ट्रक आते समय मूरपार मोड़ पर यह ट्रक फंस गया था। इस मौके पर सुबह 6 बजे से लगभग एक घंटे तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। चिमूर वर्रा राज्य महामार्ग पर खड़सगनी में केपीसीएल कंपनी का काम शुरू है। मार्ग पर पुल का निर्माण करने के लिए रास्ता खोद कर रखा गया था तथा वाहन को जाने के लिए मार्ग के बगल से मुरुम डालकर कच्चा रास्ता तैयार किया गया था, मगर रात को तेज बरसात बिजली की गड़गड़ाहट के साथ होने के कारण चिमूर वर्रा राज्य महामार्ग से चिमूर से वर्रा की ओर जाते समय एक ट्रक इस मार्ग पर मोरपार मोड़ पर फंस गया, जिसके कारण सुबह 6 बजे से लगभग एक घंटे तक यातायात प्रभावित हुई थी। इसके तहत स्कूल जाने वाले शिक्षक तथा यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। ट्रक फंसने की जानकारी कंपनी को मिलते ही जेसीबी लगाकर तथा मार्ग के कीचड़ में मुरुम डालकर यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया। लगभग एक घंटे के बाद यातायात पुनः शुरू हुई। इस मौके पर पुल के लिए मार्ग पर गड्ढे खोदकर काम करते समय बगल के रास्ते पर कच्चा रास्ता बनाते समय पहले गिट्टी डालकर उसके बाद मुरुम डालें, जिसके कारण कोई वाहन नहीं फंसेगा, ऐसा वाहन धारकों का कहना था। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सात पुत्र की रिपोर्ट।